नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया कौन सा मोबाइल फ़ोन मुझे ख़रीदना चाहिए, अंडर 10,000 या अंडर 15,000। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखिए मैं आपको, वैसे तो मैं चार कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ कस्टमर्स को। देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा बिजनेसमैन के बारे में, एक अच्छा अपना बिजनेस चला रहे हैं जिनकी टर्नओवर महीने की लाख डेढ़ लाख रुपये है, तो उनको 20,000 से ऊपर का कोई भी फ़ोन ले लीजिए, आपको आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। दूसरा आपको बताता हूँ, अगर आप नौकरी करते हो और आपकी सैलरी 20,000 से ऊपर की है तो आप 15,000 रुपये तक का फ़ोन ले लेना। और आप अगर कोई छोटा मोटा काम किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे किसी की दुकान पे काम कर रहे हैं या कोई, तो आपको 10,000 रुपये तक का फ़ोन ले लेना चाहिए। ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा महंगा मोबाइल मत लेना, आपकी जेब पर काफ़ी इफ़ेक्ट डाल सकता है ये। अब कौन सा फ़ोन लेना चाहिए कौन सा नहीं, देखिए अंडर 10,000 और अंडर 15,000 में है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूँगा। ओनर के सेट ले लो, ये आपका बिट्टू भाई कह रहा है, एक बार लेके तो देख लो भाई। ओनर के जो सेट होते हैं इनके कैमरे इतने ज़बरदस्त होते हैं, देखो मेगापिक्सल पे मत जाना, कंपनियाँ क्या करती हैं मेगापिक्सल आपको 100 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल ऐसे बता देते हैं, मगर उनके प्रोसेसर में वो जान नहीं होती, वो मेगापिक्सल क्या घंटा काम करेगा, वो करेगा ही नहीं भाई, उससे इतनी बढ़िया फोटोज़ निकल के नहीं आएंगी। पिक्सल से फ़र्क नहीं पड़ता भाई कैमरे पर, प्रोसेसर भी दमदार होना चाहिए, सारी चीज़ें उसके जो उसका मॉड्यूल होता है ना, कैमरा मॉड्यूल होता है उस पर भी डिपेंड करता है कुछ। तो ये जो ओनर के सेट होते हैं ना, एक ओनर का सेट मेरे पास रखा होगा, अभी रिपेयर होने आया तो था, देखो जैसे कि ये ओनर का ओनर प्ले है, ये मेरे पास रखा है ये भाई, इसका कैमरा इतना ज़बरदस्त है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, जैसे वीवो का 20,000 रुपये का फ़ोन है ना, इस कैमरे का मुकाबला नहीं कर सकते। ये 20 से 25,000 का अगर फ़ोन होगा ना उसका, वीवो ओप्पो, तो इस कैमरे का मुकाबला नहीं कर सकते, इसके कैमरे में वो ज़बरदस्त क्वालिटी है और ये चलते भी बहुत अच्छे हैं भाई, 3-3, 4-4 साल तक चल जाते हैं और वही मज़ा देते हैं आपको नए का। और इसमें एक खासियत और बता देता हूँ आपको ओनर में, इसमें अगर आप अपडेट भी कर लेते हो ना तो इस फ़ोन स्लो नहीं होते। और आजकल जो ओप्पो वीवो सैमसंग का भी नाम ले रहा हूँ और नोकिया वगैरह जो भी ये जो फ़ोन आ रहे हैं 15,000 से ऊपर के, ये एक साल होने के बाद है ना, जब भी उनको अपडेट कर लोगे ना, अपडेट करते वो स्लो होना शुरू हो जाएंगे, और 3 साल बाद है ना आपको वही मज़ा देगा, नए का मज़ा देगा ये वाला फ़ोन। ये मतलब पर्टिकुलर मैं इस मॉडल की बात नहीं कर रहा, ओनर का आप 9 भी ले सकते हो, ओनर 8 ले सकते हो अगर आपका बजट कम है तो, कोई दिक्कत नहीं भाई, बिंदास फ़ोन होते हैं, बढ़िया फ़ोन है, बिंदास चलाना इन फ़ोनों को। और इनफिनिक्स भी ले सकते हो आप, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आप छोटा मोटा कोई काम करते हैं, आपकी सैलरी 10 से 15,000 रुपये है, तो फिर आप महंगे फ़ोनों की तरफ ना जाएं, आप इनफिनिक्स वगैरह का फ़ोन ले लो भाई। 5G के चक्कर में तो देखो पढ़ना मत, क्योंकि हमें ना सारे दिन रिपेयर ही करते रहते हैं, 5G फ़ोन इतने आ रहे हैं रिपेयर होने के लिए के बहुत ज़्यादा इनके लिए, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ दिक्कतें होती ही है, तो वो स्लो रहेगा या उसमें नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो 5G के चक्कर में है ना पढ़ना बेकार ही है इस टाइम पे, कि 4G फ़ोन ही आपका 2028-29 तक आराम से चलेगा भाई, बड़ा ज़बरदस्त चलेगा, फ़ोन भी सस्ते होंगे, उनके पार्ट्स भी सस्ते मिल जाएंगे आपको, तो फ़ोन ही तो चलाना है ना मस्त करके, बस बिंदास चलेगा, टेंशन मत लेना इस चीज़ की। और एक टिप्स आपको देना चाहूँगा, अगर आप ये वाले फ़ोन ख़रीदते हो 10 से 15,000 की रेंज वाले, अगर ये फ़ोन ख़रीद लेते हो ना आप, तो इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए ना, पता है आप म्यूज़िक लवर हो या फिर आपको वीडियोस देखनी है, फिल्म देखनी है उसके अंदर, या फिर आपको आजकल IPL मैच चल रहे हैं भाई, मैच देखने हैं आपको, तो आप इसके स्पीकर को यूज़ ना करके है ना, आप एक वैसा स्पीकर ले लीजिए, ब्लूटूथ स्पीकर, ठीक है, उसको रख के साइड में, उसको कनेक्ट कर लीजिए, जो भी कोई आवाज़ आएगी उस स्पीकर में आएगी, बाकी इस फ़ोन को आप ऐसे ही रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके फ़ोन की लाइफ बढ़ेगी, आपके फ़ोन का स्पीकर ख़राब नहीं होगा, क्योंकि पता है अगर आप फ़ोन के स्पीकर को यूज़ करते हो 6 महीने 1 साल लगातार, कोई आपको फिल्में देखने का शौक़ है या आपको म्यूज़िक सुनने का शौक़ है, तो फिर ऐसे में पता क्या होगा, आपका स्पीकर ख़राब होगा, फिर कोई दुकान वाला उसको ठीक करने के है ना आपसे 200-300 रुपये ले लेगा, तो उससे अच्छा आप एक ब्लूटूथ स्पीकर ले लीजिए, 100-150 रुपये का आएगा, है ना। तो ये टिप्स कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और ओनर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर आगे मैं और फ़ोनों के बारे में आपको खोल खोल के बताऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।